हेलो फ्रेंड्स, यह है लेसन नंबर 7 बूटस्ट्रैप इन हिंदी। और इसमें हम सीखने वाले हैं ये तीन टॉपिक, हेडिंग, मार्क एंड KBD यूजिंग बूटस्ट्रैप। ओके, हेडिंग का मतलब है कि हम जो HTML में हेडिंग यूज़ करते हैं, H1, H2, अप टू H7, उस हेडिंग के मैं बात कर रहा हूँ। और उसी तरह का हेडिंग बूटस्ट्रैप भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो वो हम देखेंगे इसमें। मार्क टैग को बूटस्ट्रैप कैसे रिप्रेजेंट करता है वो हम देखेंगे, और KBD टैग्स यानी कि कीबोर्ड टैग्स, ओके, उसको बूटस्ट्रैप कैसे डिजाइन अलोकेट करता है वो हम देखेंगे इस लेसन के अंदर। ओके, बहुत ही छोटा सा लेसन होगा, तीन टॉपिक ही सिर्फ हम कवर करेंगे इसमें। तो ये लेसन 7.html से सेव की गई फाइल है, और हेडिंग टैग के अंदर ये मैंने लिख दिया है। एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा कि ये लाइन लिखना ज़रूरी है हेड टैग के अंदर, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एंड HREF इक्वल टू बूटस्ट्रैप का जो फोल्डर है ये उसका नाम है, उसके अंदर CSS फोल्डर है, उसके अंदर bootstrap.min.css की फाइल है। ओके, तो इतना सा आपको लिखना होगा, ठीक है। एक बार आपने सक्सेसफुली लिख दिया तो सभी फाइल के अंदर सिर्फ आपको ये लाइन कॉपी करनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, चेंज कहाँ पर होगा, तो बॉडी के अंदर ही आपको सिर्फ चेंज करना होगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर डिवीजन क्रिएट किया है, क्लास इक्वल टू कंटेनर जो कि ब्लॉक प्रोवाइड करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने वार्निंग बिजी डैश वार्निंग। ओके, तो कंटेनर क्लास है बूटस्ट्रैप के अंदर, और बिजी डैश वार्निंग भी क्लास है। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए HTML के अंदर H1 नाम का टैग आता है जो कि हेडिंग के लिए यूज होता है। तो अब मैंने H1 के अंदर इतना लिखा हुआ है, हेड मार्क KBD यूजिंग बूटस्ट्रैप। ओके, तो उसको मैं सबसे पहले आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, ये हमारी फाइल है लेसन 7 ओपन विथ। देखिए आप ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर सकते हो, पर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउज़र है वो बूटस्ट्रैप सपोर्ट नहीं करता है यदि उसका वर्जन 9 से कम हो तो। ओके, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9.0 या उससे अप का वर्जन होगा तो ही बूटस्ट्रैप का कोड जो है वो रन कर पाएगा। ओके, तो मैं आप सबको सलाह दूंगा कि गूगल क्रोम आप यूज करें बूटस्ट्रैप को रन करने के लिए। ओके, तो ये देखिए हेडिंग मार्क KBD यूजिंग बूटस्ट्रैप, ये आ गया H1 टैग का आउटपुट, ठीक है। अभी H2, H3 वगैरह सब मैं लिखूंगा यहाँ पर, H3, H4। ओके, तो ये सब टैग आते हैं HTML के अंदर, ठीक है, H6, 5। ओके, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। तो जैसे ही नंबर बढ़ेगा, ये H1 है, ये H2, H3 का आउटपुट, 4, 5 एंड H6 का आउटपुट, तो हेडिंग की साइज़ जो है वो थोड़ी कम होती जाएगी, टेक्स्ट की साइज़। ओके, तो ये कोड है HTML का कोड, और उसके अंदर H1 टू H6 वेराइटी है हेडिंग आपको देने के लिए। ओके, अब बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस है हेडिंग के लिए। ओके, बूटस्ट्रैप आपको 4 क्लास प्रोवाइड करता है, एक Display 1, Display 2, Display 3 एंड Display 4। देखिए यहाँ पर H1 टैग लिखा है, बाकी के सारे टैग में हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्लास इक्वल टू Display-1। तो Display-1 ये bootstrap.min.css उसके अंदर ये क्लास आया हुआ है, और ये हेडिंग जो क्लास है हमारा उसको स्टाइल अप्लाई करेगा, ठीक है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, ये देखिए उसका
स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, उसकी साइज़ जो है वो भी चेंज हो गई। ये देखिए, ये नॉर्मल इसकी साइज़ है, ठीक है, डिस्प्ले वन। अब मैं डिस्प्ले टू का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस कोड को कॉपी करता हूँ मैं नीचे, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्प्ले डैश टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्प्ले डैश थ्री, ओके, और यहाँ पर लिखूँगा डिस्प्ले डैश फोर, ओके। और टेक्स्ट जो है उसको भी मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, कॉपी कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पर डिस्प्ले थ्री आएगा, यहाँ पर डिस्प्ले फोर आएगा, ठीक है, फोर एंड थ्री। तो इस तरीके से आप हेडिंग टैग को क्लास असाइन कर सकते हो, ओके, डिस्प्ले वन टू थ्री एंड फोर। देखिए मैंने एक ही क्लास लिखा है H1, 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 तो यहाँ पर आप H2 भी यूज़ कर सकते हो, H3 भी यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ टैग भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके, या फिर एंकर टैग, उसके अंदर भी आप डिस्प्ले वन क्लास को असाइन कर सकते हो, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा मैं, ये देखिए डिस्प्ले वन, ये डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री एंड डिस्प्ले फोर। उसकी फ्रंट की जो स्टाइल है वो भी चेंज हो गई और बोल्ड जो है वो निकल गया इसमें से, ओके। तो इस तरीके से आप हेडिंग आप दे सकते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप, ओके। अब मैं पैराग्राफ टैग के अंदर ये क्लास अप्लाई करता हूँ, ओके, डिस्प्ले डैश वन, ओके, और मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा पैराग्राफ टैग, ओके। नीचे मैं एंकर टैग के अंदर ये क्लास अप्लाई करूँगा, हैज स्लैश ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँगा क्लास इक्वल टू डिस्प्ले डैश टू, ओके, क्लिक हियर। तो ये हमारा बन गया एंकर टैग। उसके अंदर मैंने स्टाइल दी डिस्प्ले टू की, ये पैराग्राफ टैग, उसके अंदर स्टाइल दी मैंने डिस्प्ले वन की, ओके। तो देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके, ये देखिए पैराग्राफ टैग और ये है हमारा एंकर टैग, ओके। तो यदि आप एंकर टैग इतना बड़ा रखना चाहते हो हाइपरलिंक, तो आप यहाँ पर रख सकते हो, ओके। तो ये बात हुई हमारी डिस्प्ले वन टू थ्री फोर की, जो कि सभी टेक्स्ट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, या H1, H2 हो या फिर पैराग्राफ एंकर कोई भी हो, ओके, डिस्प्ले क्लास अप्लाई कर सकते हो। अब हम देखते हैं मार्क टैग, ओके, मार्क एंड स्लैश मार्क, दिस इज मार्क टैग, ठीक है। तो मार्क टैग में क्या होता है, बैकग्राउंड कलर लाइट येलो आता है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ओके, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो लाइट थोड़ा येलो आएगा, ओके। मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज एंड देन मार्क, और ये टैग को यहाँ पर बाहर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ठीक से समझ में आए। रिफ्रेश, ये देखिए ये टेक्स्ट जो है उसको मार्क कर दिया है, ओके। तो इस तरीके से ये बूटस्ट्रैप जो है वो अपनी स्टाइल प्रोवाइड करेगा मार्क टैग को, ओके। और मार्क को भी आप क्लास देना चाहो डिस्प्ले वन टू, तो आप दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये है मार्क टैग जो कि टेक्स्ट को मार्क करेगा। br न्यू लाइन के लिए यूज़ करेंगे हम। अब देखते हैं kbd टैग, देखिए प्रेस देन kbd, ओके, स्लैश
केबीडी, ओके। मैंने इस तरीके से लिखा, ओके, केबीडी और CTRL प्लस पी यहाँ पर लिखा मैंने। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखिए, रिफ्रेश, ये देखिए आउटपुट इसका, प्रेस केबीडी प्लस जो है वो कंट्रोल प्लस हमने लिखा, उसका आउटपुट देखिए आप। इसकी इफेक्ट बहुत ही बढ़िया आती है इसमें बूस्ट स्टेप के अंदर। ये देखिए प्रेस कंट्रोल पी जो हमने लिखा था, कंट्रोल प्लस पी, वो पूरे का पूरा ये रेक्टेंगल शेप में, राउंडेड रेक्टेंगल में आ गया, और ये कीबोर्ड की जो की होती है उसके शेप में आ गया, उसके कलर में, ओके। तो केबीडी जो है कीबोर्ड, ओके, कीबोर्ड के लिए यूज होता है। और ये जो स्टाइल है, ये स्टाइल कहाँ से आई, बूटस्ट्रैप में से आई स्टाइल, ओके, केबीडी की स्टाइल। तो आपको स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ओके। देखिए मैं और लिखता हूँ केबीडी टैग यहाँ पर, केबीडी, ओके, CTRL प्लस एस स्लैश केबीडी टू सेव, ओके, BR। यदि आप नंबर ऑफ शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ओके, कंट्रोल प्लस एस टू सेव एस, देन कंट्रोल प्लस एन टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। तो देखिए केबीडी का इफेक्ट कैसा आता है, ये देखिए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस टू सेव एस, कंट्रोल प्लस एन टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। तो इस तरीके से आप इफेक्ट टेक्स्ट में अच्छी सी ला सकते हो यूजिंग केबीडी, ओके। कीबोर्ड की जो होती है ना वो यहाँ पर आ जाएगी, उसकी इफेक्ट, ओके। तो इस लेसन में दोस्तों हमने सीखा कि कैसे डिस्प्ले 1 2 3 4 क्लास जो है वो टेक्स्ट को डिफरेंटली डिस्प्ले करता है, ओके। और डिस्प्ले क्लास जो है वो एंकर टैग या पैराग्राफ टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मार्क टैग जो कि टेक्स्ट को मार्क करता है, और ये केबीडी टैग्स, ओके, जो कि बढ़िया सी इफेक्ट, कीबोर्ड की इफेक्ट हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ला देता है, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।